हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हनी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आल्सो, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ वेरी इजी, वेरी डिलीशियस, वेरी सॉफ्ट स्वीट डैट इज़ होममेड एंड इट इज़ कॉल्ड कलाकंद। In our Asian countries, people love to make it, enjoy it in different festivals. So we will make it at home very easily and with minimum ingredients. So start our recipe. First of all, मैंने यहाँ पे 2 liter milk लिया है, उसको मैंने दो जगहों पे divide कर दिया है। हाफ मिल्क यानी कि 1 liter मिल्क एक डेगची में कर लिया है और हाफ मिल्क यानी 1 liter मिल्क एक कढ़ाई में कर लिया है, क्योंकि इसको हमने अच्छे से भूनना है, इसको अच्छे से सुखाना है हमने। तो हाफ मिल्क का हम बनाएंगे पनीर, जो कि बहुत इजीली रेडी हो जाएगा। और इस हाफ मिल्क को हमने 1/4 तक सुखाना है, ड्राई करना है। ये अपना कलर चेंज कर लेगा, मलाई मलाई टाइप ये बन जाएगा, रबड़ी टाइप स्टाइल का हो जाएगा, सुंदर सा हो जाएगा। तो 1/4 तक इसको हम सुखाते ही जाएंगे और साथ साथ चलाते भी जाएंगे, ताकि ये लग ना जाए। स्टोव मैंने ऑन कर दिया है और इन दोनों मिल्क का बॉयल आने का वेट करेंगे कि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए, तो हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फिर। जी, ये दोनों मिल्क में बॉयल आ गया है, तो इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम में स्लो स्लो से सुखाना है। और दूसरे मिल्क में बॉयल आ गया है, तो मैं इसे करने लगी हूँ क्लोज। स्टोव मैंने क्लोज कर दिया और इसमें मैं लेमन जूस ऐड करूंगी, क्योंकि इसे हमने फाड़ना है। और स्लो स्लो इसे मिक्स करते जाएंगे। स्टोव क्लोज करके हमने इसमें लेमन जूस ऐड करना है स्लो स्लो, और इसको मिक्स करते जाना है अंटिल कि ये फट जाए। दूध जो है देखिए अच्छे से फट चुका है, या फिर इसकी बन चुकी हैं, तो इसको हम फिल्टर कर लेंगे, ताकि हम इसे पनीर निकाल सकें और पानी साइड से कर सकें। दूसरे साइड पे स्टोव पे स्लो लाइट फ्लेम में इस दूध को मैं सुखा रही हूँ और स्लो स्लो इसका कलर चेंज हो रहा है। साथ साथ इसको चलाती भी जा रही हूँ, क्योंकि ये नीचे से लग ना जाए। नीचे से अगर लग गया तो जले की स्मेल आएगी, सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो ये नीचे से लगना भी चाहिए। साइडों से भी आराम आराम से उतार लें और इसको चलाते जाएँ। ये हमने एक बॉल ले लिया, एक स्ट्रेनर ले लिया है। स्ट्रेनर पे हमने एक सूती कपड़ा रख देना है, ताकि अच्छे से हम पनीर फिल्टर कर सकें। इसमें हम सारा का सारा पनीर डाल देंगे अच्छे से। और इससे सारा पानी अलग कर लेंगे। जी, पनीर को एक दो दफ़ा मैं पानी से अच्छे से धो लूँगी, ताकि जो स्ट्रिक एसिड का या लेमन का जो टेस्ट है, खटास है, वो अच्छे से। इसको पनीर को हमने अच्छे से 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लिए पानी से, ताकि सारा खट्टापन, सारी चीज़ें, ये जो स्ट्रिक एसिड है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसको स्क्वीज़ कर लेंगे, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना बचे। अच्छे से हमने इसको स्क्वीज़ कर लेना है, बिल्कुल ड्राई हो जाए ये। कि हमारा जो पनीर है, जो खोए टाइप, बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे बनाने के लिए डब्बे का दूध यूज़ किया है, क्योंकि मैं स्वीट्स को बनाने के लिए प्रेफर करती हूँ डब्बे का दूध। अगर आप घर का खुला दूध भी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा शक्ल इसकी डिफरेंट होगी, लेकिन सेम चीज़ और सेम टेस्ट बनेगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। तो हमारी ये खोए जैसी, रबड़ी जैसी जो है, वो पनीर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो हमने मिल्क ड्राई करने को, खाने को रखा था, वो 1/4 रह गया है। मलाई मलाई टाइप देखें, जमना शुरू हो गई है, बड़ी सोंधी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम ये जो ड्राई पनीर है उसको इसमें ऐड करेंगे सारे के सारे को, और फ्लेम हाई टू मीडियम रख के इसको अच्छे से हमने भूनना है। सारे के सारे खोए को हम ऐड कर देंगे इसमें। हमने अच्छे से पनीर को मिल्क में मिक्स कर लिया है। अब हमने हाई फ्लेम में इसे तब तक कुक करना है जब तक ये इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और ये सॉलिड फॉर्म में आ जाए, तो हमने तब तक इसे कुक करेंगे। जी, हाई फ्लेम में अच्छे से हमारी मिल्क और जो पनीर थी वो भुन रही है, इसमें से वाटर ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। तो हमने इसमें हाफ बॉल
शुगर ऐड करनी है। शुगर के बाद ये थोड़ा लिक्विड सा हो जाएगा, दोबारा से परेशान नहीं होना आपने, 3 to 4 मिनट इसे और कुक कर लेना है ताकि ये दोबारा से ड्राई हो जाए। और इसके साथ ही 1/2 स्पून इलायची पाउडर भी हम ऐड कर देंगे इसी टाइम पे, और इसको दोबारा से अच्छे से ड्राई होने तक भूनेंगे, थोड़ा सा कुक करेंगे इस तरह से। ऑलमोस्ट सारा पानी हमने अच्छे से ड्राई कर लिया है और ये हमारा ज़बरदस्त सा एक बैटर कलाकंद का रेडी हो गया है। तो स्टफ़ कर देते हैं हम ऑफ और हम इसे निकालेंगे। जिस भी बर्तन में आपने निकालना है उसको हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल के साथ, बटर के साथ या घी के साथ अच्छे से उसे ग्रीस कर लें। मैं ऑयल के साथ अपने केक पैन में ही इसे निकालूंगी, आप ब्रश से भी इसे फैला सकते हैं। और उसके बाद हमने इधर सेट करना है सारे के सारे कलाकंद का जो हमने बनाया है अच्छे से, जितनी आपको मोटाई चाहिए उसकी उसके हिसाब से आप उसे सेट कर लें। इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बहुत ही बारीक क्रश्ड आलमंड्स डालेंगे, अच्छे से बारीक से इसे कर लिए थे मैंने, इसे डाल देंगे। और पिस्ता में अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे डाल लें और इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर लें ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए इसके साथ। इसको अब मैं फ्रिज में रखूंगी मिनिमम 2 आवर्स के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद इसे इसकी करेंगे हम कटिंग। 1 आवर मैंने इसे फ्रिज में रखा है क्योंकि घर वालों को सफर नहीं हो रहा था, ये नॉर्मल चिल हो गया था, तो मैंने इसे निकाल ली है और अब हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ से जितने आपको पीसेस चाहिए उसके हिसाब से आप कट कर लें। यूं इसे निकाल के प्लेट में कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारी इजीएस्ट रेसिपी ऑफ कलाकंद इज रेडी और आप ये देख सकते हैं ज़बरदस्त से, ये देखें ये इतने रिक्वायर्ड दानेदार मुझे चाहिए थे, आपको नज़र आ रहा होगा ये ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही इजीली घर में रेडी हो सकते हैं और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत सॉफ्ट से और फुल ऑफ देसी टेस्ट हैं। सो मस्ट ट्राई इट और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इंजॉय विद योर फैमिली। मेक योर कुकिंग इजी एंड फन विद मी एंड ट्राई दिस। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय इट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।